भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने जा रही T20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को होगा। वनडे में न्यूजीलैंड टीम को 4-1 से मात देने के कारण भारतीय क्रिकेट टीम के हौसले बुलंद हैं, लेकिन T20 एक अलग फॉर्मेट और एक नई सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम की कमान विराट कोहली की अनुपस्थिति में रोहित शर्मा के हाथों में है। रोहित शर्मा के पास T20 सीरीज में एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वे अब तक 82 अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत की ओर से खेलकर 2,237 रन बना चुके हैं और T20 में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान के शोएब मलिक। शोएब ने 102 मैच खेलकर 2,245 रन बनाए हैं, रोहित से 8 रन ज़्यादा। शोएब से तो रोहित आसानी से आगे निकल जाएंगे। सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने का कीर्तिमान मार्टिन गप्टिल के नाम है। उन्होंने 73 मैच खेलकर 2,271 रन बनाए हैं, यानी कि रोहित से 34 रन ज़्यादा। क्योंकि मार्टिन सीरीज से बाहर हो चुके हैं, इसलिए रोहित के पास उनसे आगे निकलने का सुनहरा मौका है। 35 रन बनाते ही रोहित शर्मा दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे। भारत के धाकड़ बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 60 मैचों में 2,167 रन बनाए हैं और वो भी ज़्यादा पीछे नहीं हैं, लेकिन सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम हैं, जिन्होंने 70 T20 मैच खेलकर 2,140 रन बनाए हैं, लेकिन वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उम्मीद है कि रोहित सीरीज के पहले मैच में ही एक कीर्तिमान अपने नाम कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है रोहित शर्मा के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।